बस भैया आपका आशीर्वाद रहा तो इस बार भी बहुमत हमें ही मिलेगी। जी भैया जी। अच्छा भैया जी नमस्ते। अरे गांधी भैया मिठाई खाओ, ये लो भैया मुंह मीठा करो। क्या बात है शंकर, आज तेरा जन्मदिन है क्या? नहीं वो भैया, हम कॉलेज के इलेक्शन में खड़े हुए हैं और सबका मानना है कि इस बार का इलेक्शन हम ही जीतेंगे। क्या बात है, बधाई हो। आइए भैया आपका भी मुंह मीठा करते हैं। काहे बात का सेलिब्रेशन चल रहा है बे, जरा हम भी तो सुने ऐसी कौन सी दुर्घटना घटी। क्यों? नहीं वो भैया, इस बार कॉलेज के चुनाव में हम खड़े हुए हैं और सबका मानना है कि इस बार बहुमत हमें ही मिलेगी। अबे मुंह क्या ताक रहे हो दागो साले को, मतलब हट। तुम्हें 50 बार बोले हैं कि पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, आईएएस वाईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन कहीं तुम्हारी गांड में सलूने काट रहे हैं। इलेक्शन लड़ेंगे, डॉन बनेंगे। अबे छोड़ दे उसको, वो तेरा भाई है। तुम्हारी क्यों मार रहे हो अपने छोटे भाई को? पापा आप बीच में मत आइए। ऐसा नहीं करना चाहिए बिश्व, वो तुम्हारा छोटा भाई है। कौन बिश्व? मुन्ना त्रिपाठी नाम है हमारा। मुन्ना त्रिपाठी? पापा ये मिर्जापुर देखकर पागल हो गया, इसे गोली मार दो। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। वो सब तो ठीक है, तूने बिजली का बिल भरा? क्या मैं मुन्ना त्रिपाठी इस गरीब घर का इकलौता वारिस बिजली का बिल भरूंगा? अरे आपको पता क्या है मेरे बारे में? क्या मतलब? अभी दिखाता हूँ। अरे नंगा क्यों हो रहा है? अंकल मैं बताता हूँ क्या हुआ, ये दारू पीकर प्रिंसिपल की बेटी को छेड़ रहा था और प्रिंसिपल सर ने देख लिया तो इसकी धुलाई कर दी। देखा आपने पापा, मास्टर के इतने छड़ी मारने के बाद भी हमें कुछ नहीं हुआ, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब बनता है। क्या? अमर है हम। चुप कर, तू बिजली का बिल भरेगा या नहीं? ठीक है पापा, हम एक शर्त पे बिजली का बिल भरेंगे। कौन सी शर्त? हमें ये पूरा शहर चाहिए, तो आपको हमें दिल्ली शहर की गद्दी देनी होगी। बेटा एक बार बोल दिया दोबारा मत बोल दिए, केजरीवाल ने सुन लिया तो चूतड़ सहित उठवा लिया जाएगा। वो सब हमें नहीं पता, हमें बस दिल्ली शहर की गद्दी चाहिए। गद्दी क्यों? तुझे दिल्ली शहर की गोदी में खिलाता हूँ। पापा देखो घर का मामला है, अंदर चलकर सुलटा लेते हैं, ऐसे बाहर वाले लोगों के सामने तमाशा होगा तो हमारी इज्जत डाउन होगी। आ जा अंदर फिर। अबे हट, सारा मजा खराब कर दिया। अरे भूसड़ी, अब तो तू बेटा गद्दी पे बैठने लायक भी नहीं रहा। ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना, कुछ शर्म आया है कि नहीं? हर रोज अपने बाप से कुत्तों की तरह पिटता रहता है, कुछ बोलता क्यों नहीं? ऐसे क्यों देख रही हो आप मुझे? अरे बिना पैरों पे तेल लगा दो। ये बुड्ढा कब समाधि लेगा? जाओ जाके दद्दा को संभालो, ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रही हो? हम टुकुर टुकुर देखते, आज तेरे दद्दा और तुझे दोनों को बताते हैं। रुको, ओए सुनाई दे रहा है? अबे ओए भोसड़ी के अंधे। अबे चूतिए, मिर्जापुर का मुन्ना बनना सिर्फ रियल लाइफ में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। चुप करो बे, हमारे हम। अबे गांड। हाँ पापा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बे किसका फोन था? पापा का। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? ललित। रुक एक चीज दिखाता हूँ। क्या? लवड़ू ललित। अगर तुम्हें मुन्ना बनने का इतना ही शौक है ना, तो आज हम गुड्डू बनकर तुम्हारे चूतड़ों पर लठ कूटेंगे। हम बोले थे ना नहीं मरेंगे, हम अमर है हम।